पटाओ, झूठ सुनने नहीं पटाओ, यहाँ पे गोली मारने की भी बात होगी समाज से। जब समाज की बात होगी तो सबका देश के देखो देखो खंडन करता हूँ मैं, ऐसी जवान का गोली मारने की बात करोगी आप? कौन है ये वकील है इसके अभी के अभी शरण जब कर जाए, इसकी संदर्भ को अभी के अभी खारिज किया जाए जिसने देश में आतंक फैलाने की कोशिश की। गाय की भी बात होगी, वेद की भी बात होगी, कुरान की भी बात होगी और मंदिर की भी बात होगी। तो आप पोलराइज कर रहे हैं, आपकी बंटवारे की मानसिकता है। और ये देखो ये देखो देखो मंदिर किसी को बोल सकते हमारे फटाफट बकवास हंसिए राक्षस लग रहे हैं बिल्कुल। ये देखो ये खुद बोल रही है, ये खुद ये वरिष्ठ वकील बिना डिग्री के वकील हंसिए, ये बिना डिग्री के वकील हमको काला चमक के दिखा रहे हैं। देखो बिना डिग्री के वकील रावण का नहीं टिका, जेल बैरिस्टर लॉजिक पे बात करिए, इनको जेल बैरिस्टर बोलते हैं बिना डिग्री के वकील, बिना डिग्री के वकील फंडामेंटल राइट फंडामेंटल ड्यूटी नाम की चीज भी पता है? कभी संविधान खोल के पढ़ा है? आर्टिकल 51A नाम की कोई चीज पता है? होमवर्क देती हूँ, जाइए जाके पढ़िए, जाके अपने बड़े भड़काऊ भाईजान से रट के यहाँ पे तोते की तरह मत बोला करिए, समझ के बोला करिए। तोता बकवास क्या हो रहा है? अरे मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है, मोदी ने आपके गले में कुत्ते का पट्टा बांध दिया है, आप उसकी दुम ये गलत भाषा किसी महिला के साथ है। ऐसा बोलूंगा कुर्सी छोड़ के भागेंगी ये मेरे सामने बैठे तो जबान को काबू में रख के गलत भाषा का इस्तेमाल करा, आपको वापस लेना चाहिए। अरे मोदी ने आपके गले में बांध दिया पट्टा और आप उसकी गुलामी कर रहे हो बैठ के यहाँ पर। तुम्हारे जैसे लोगों की हैसियत नहीं है मेरे सामने बोलने की, पट्टा बांध दिया की हैसियत नहीं है तुम्हारी, बिगड़ डिग्री की वकील हो, संविधान को बदनाम नहीं करता। किसी महिला वक्ता के साथ आपको उसके पॉइंट पसंद हो ना पसंद हो, आप उनके पॉइंट्स को तर्कों के साथ काउंटर करिए, लेकिन किसी को यह बोला इन्होंने गले में मोदी के का नाम का पट्टा डाला हुआ है, यह शेमफुल है, दिस इज शेमफुल। और मैं कहता हूं यह बहुत बदतमीजी इसकी भी इंतहा है, और आपको भी नहीं यह कहना चाहिए था कि कोई फौंक रहा है, ये भी गलत कहा आपने। आपको गुस्सा वाजिब है, आपका गुस्सा वाजिब है, लेकिन लेकिन आप भी अगर ऐसी हो जाएंगी तो फिर क्या फर्क रहेगा दोनों में? इसलिए मैं आप दोनों को निवेदन करता हूं, मैं एक सेकंड रुकिए, सुबुई लेट मी मेक माय पॉइंट, सुबुई आप भी अपने शब्द वापस लीजिए और वारिस आप भी अपने शब्द वापस लीजिए। जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ये लोग, ये देश के गद्दार है बिना डिग्री के वकील, संविधान का अपमान कर रही है ये बैठकर यहाँ पर, और आप खामोशी के साथ बैठे अमित देवगन, शर्म आनी चाहिए अमित देवगन आपको, आपको एंकरता छोड़ के बैठ जाना चाहिए घर पे। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं वकील साहब, छोड़ के बैठ जाना चाहिए। कितने फंडामेंटल राइट्स हैं, बोलेंगे कि गले में उसने पट्टा डाला हुआ और आपको लगेगा कि अमित देवगन आपके मतलब एंडोर्स करेगा। अमित देवगन 100 बार ही बोलेगा आपने गलत कहा है, आपके शब्द गलत थे, आपको इनकी बात बुरी लग सकती है, आप गलत इनकी बात को काउंटर कर सकते हैं, लेकिन शब्दों का इस्तेमाल मेरी बहस में जायज नहीं है। आप मेरी हिम्मत है तो आप उस लेडी को बोलेंगे कि माफी मांगे, वो बोलिए उसको माफी मांगने के लिए, बोलिए आपने हिम्मत और गैर बच्चे तो माफी मंगवाइए, उसने संविधान का अपमान किया है, संविधान का अपमान किया है, उसने तर्कों का जवाब नहीं दे सकते, संविधान का अपमान किया था। 5 seconds अपनी सारी इंद्रियां खोल के सुनो मिस्टर पठान, जिस भाषा में मुझसे बात करोगे माफी मंगाइए, उसी भाषा में जवाब मिलेगा। नहीं सुनना तुम्हारी आज तक तुम लोगों को तुम्हारी भाषा में जवाब नहीं मिला है, इसलिए तुम अपनी औकात जैसे गद्दारों की बात नहीं सुनता। ये देश के गद्दार हो, योगी को बोलो जैसे गद्दारों को गोली मारो, सालों को इनको मारो गोली, ये देश के गद्दार है, ये असल देश के गद्दार योगी को बताना चाहता हूं, ये असल देश के गद्दार। आप या तो इनको चुप कराइए या फिर इन्हें डिबेट में से हटा दीजिए, ऐसे नहीं बात हो सकती। इतनी बदतमीजी से एक महिला से बात कर रहे हैं, ये कोई तरीका नहीं है बात करने का। बिल्कुल आई एग्री विद यू, ये गलत भाषा का इस्तेमाल हुआ। आई टोटली एग्री विद यू, और ये भाषा की मर्यादा को तोड़ा गया, तोड़ा नहीं गया, रौंदा गया। संबित पात्रा
वाद विवाद होता है, वाद विवाद आप दोनों में भी हुआ, ये तरीका नहीं हो सकता। संबित, देन अजय आलोक एंड देन रशीदी साहब। अमित जी आई एम सॉरी, जरा सुनिए अमित जी, अमित जी ये हम लोग रोज देख रहे हैं, ये रोज देख रहे हैं, ये जो पैट्रियार्कियल मिसोजिनिस्ट माइंडसेट है ये क्यों? क्योंकि एक महिला पढ़ के बुरका, बिना बुरका के अगर टीवी पे आती है और वो ज्ञान की बातें करती हैं, वो लॉजिकली कोई बात रख रही है, आप अपने लॉजिक से काटिए। आप कहते हैं पट्टा पहना दिया है, इज दिस द वे यू बिहेव विद अ वुमन? आप एक महिला के साथ इस प्रकार, ये टिपिकल पैट्रियार्कियल माइंडसेट कि आप महिला के सामने डिबेट नहीं करेंगे। जस्ट सेकंड सर, देखिए ये नहीं, चोरी ऊपर से सीधा जो नहीं चलेगा, तो अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। नहीं, जस्ट सेकंड, ये